दिगरा शहर के बाढ़ पीड़ितों को सर्वे के बाद स्थानीय प्रशासन की ओर से मदद निधि के चेक वितरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन स्थानीय हिंदनगर के बाढ़ पीड़ितों ने प्रशासन द्वारा किए गए सर्वे की प्रक्रिया दोषपूर्ण करार देते हुए अपना रोष व्यक्त किया है। आइए देखते हैं क्या है ये मामला। बाढ़ प्रभावित इलाकों में से एक हिंदनगर के बाढ़ग्रस्त नागरिक स्थानीय प्रशासन के सर्वे से नाखुश है। उनके मुताबिक धावंडा नदी से सटे इस इलाके में हर बार बाढ़ से उनका बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। इस बार भी बाढ़ की त्रासदी में उन्होंने बहुत कुछ खो दिया है और ऊपर से प्रशासन की ओर से झटपट तरीके से निपटाया गया सर्वे उनके लिए राहत नहीं बल्कि आफत का सबब बन गया है। मैं हिंदनगर रहवासी पूर्पिड़ी 2005 पासून आतापर्यंत आम्ही एवढे जे लोक आहे हिंदनगर मधले सर्व पूर्पीडित आहे, परंतु आमचे नाव लिस्ट मध्ये आलेले नाही 50-60 लोकांचे। याच्यासाठी आम्हाला सरकारने मदत करावी। आम्ही सर्व पूरग्रस्त आहे, आमचे नाव आजच्या लिस्ट मध्ये आलेले नाही। आमच्या घरातून पाणी गेलेले आहे आणि त्या दिवशी फुटू काढून नेले, पण आमचं यादीत नाव नाही आलं, आम्हाला काही भेटलं नाही। आम्ही पूरग्रस्तच आहे, पण आम्हाला यावेळेस काहीच मदत झाली नाही, कारण आमच्या लेकरांची पुस्तकं पूर्ण नुकसान झालेलं आमचं, पण आम्हाला कोणतीच मदत झालेली नाही। म्हणून आम्ही प्रशासनाला अशी विनंती करतो की आम्हाला काहीतरी मदत करा। म्हणून इस बार आई प्रलयकारी बाढ़ से हुए बेतहाशा नुकसान के बाद इन लोगों को सरकारी सर्वे को अंजाम देने वाले स्थानीय प्रशासन से उम्मीदें थी, लेकिन सर्वे करने वाले कर्मचारियों ने आनन फानन में सर्वे का काम निपटाया, जिसके चलते हकीकत में जो बाढ़ पीड़ित हैं उनका लिस्ट में नाम नहीं आया है। वे लाभ से लगभग वंचित हो गए हैं और जिनका कोई नुकसान नहीं हुआ उनके नाम चेक जारी हो चुके हैं। इन लोगों ने दोषपूर्ण सर्वे को अंजाम देने वाले कर्मचारियों पर अपने परिचितों का लाभ कराने का आरोप करते हुए लाभार्थियों पर अन्याय करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग तक कर डाली है। मी रमेश कटकर, हिंदनगर पालेश्वर मंदिर जवळ नदी काठचाच भाग आहे आणि नेहमी पुराचा त्रास असतो, पण एवढा कधी झाला नव्हता। 2006 नंतरचा हे पहिलाच पूर आहे आणि खरंच या पुरामध्ये आमचं एवढं नुकसान झालं, पण प्रशासनानं जे नेमणूक केलेले जे कर्मचारी होते यायनं याच्या जवळच्याच लोकायले वरचे असो का खालचे असो यायनं त्या लोकांवर मदत केली काय, आणि खरंच लाभार्थी होते, या लाभार्थ्याला कोणताच लाभ भेटला नाही। आणि संबंधित कर्मचाऱ्यावर कारवाई करून आणि बाकी जे भेटलेल्या लोकांवर FIR दाखल गव्हर्नमेंटनं करावं, हे माझी एक विनंती आहे। आमच्या घराशेजारी नदी आहे, धावंडा नदी म्हणून, दरवर्षी पूर येत होतो, 5 आला होता आणि 17 आला आणि आता सुद्धा आला, पण आम्ही पूरग्रस्तामध्ये सामील आहोत। आमचे दरवर्षी नाव असतात, पण यावर्षी आमचे नाव कट केले, सर्वे झाले त्याच्यातही नाव होते, पण आता ते चेक आला ना त्याच्यामध्ये आमचे नाव कट करण्यात आले, पण आता त्या कर्मचाऱ्यांनी आमचे नाव टाकून आम्हाला आमची मदत मिळाली। हालांकि सूत्रों ने बताया कि बाढ़ से जुड़े सर्वे का काम खत्म हो चुका है, बाढ़ पीड़ितों की लिस्ट काफी लंबी है, इसलिए चेक वितरण में समय लग रहा है। एक तरफ प्रशासन बाढ़ पीड़ितों को नियमानुसार उनके नुकसान की भरपाई हर हाल में देने का आश्वासन दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ लगभग सभी बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के बाढ़ से प्रभावित लोग सर्वे की प्रक्रिया से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। देखना होगा कि आगामी दिनों में कथित रूप से लाभ से वंचित बाढ़ पीड़ितों को न्याय मिल पाता है भी या नहीं। इन दिनों दिगरा शहर में नदी किनारे वाले जो लोग हैं उनमें एक बड़ी समस्या आ पड़ी है। उनका ये कहना है कि जो सर्वे यहाँ के प्रशासन ने किया था, यहाँ के जो कर्मचारी थे, जैसे हिंदनगर में आए थे, मोतीनगर और बाकी जो चमनपुरा जैसा इलाका है, जो बाढ़ पीड़ित इलाका था, वहाँ पर कर्मचारियों ने सर्वे किया, लेकिन वो लोग जो है वो इस सर्वे से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना ये है कि जिन लोगों का इसमें हकीकत में नुकसान हुआ है उनको बाकायदा किसी तरह की यहाँ पर मदद नहीं मिली है, और जिन लोगों को कम से कम नुकसान हुआ है या जिनका नुकसान ही नहीं हुआ है उनको भी इसमें मदद मिल गई है। इस बात को लेकर ये लोग चिंतित हैं, उन्हें लगता है कि प्रशासन के कर्मचारियों ने सर्वे करते हुए कहीं ना कहीं उनके साथ एक तरह से धोखाधड़ी की है। इन लोगों को उम्मीद है कि प्रशासन जल्दी ही अपनी गलतियों को दुरुस्त करेगा और इन्हें इंसाफ दिलाएगा। इनबीसी न्यूज के लिए दिगरस से जुबैर खान।